ओके फ्रेंड्स, इस वक्त हम जो है हड़प्पा म्यूजियम में है और टुडे वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर द हड़प्पा सिविलाइजेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली। लाला पकड़े ज़रा, साथ ही भी आपको करना पड़ेगा। तो जैसे आपको पता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मेहरगढ़, दीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो पाकिस्तान के एरिया में है। गंदारा है, बट इट्स अ बिट मोर रीसेंट वन। तो हमारे दोस्त से, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान जी, रमज़ान बताए, क्या बताएंगे आप? सर, ये जो तहजीब है ना, इसको वादी सिंध के नाम से या फिर हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आज से 5,500 साल पुरानी तहजीब है। बताया जाता है कि आज से 5,500 साल इसको हो गए, तबाह हुए। कोई इससे पहले ये करीबन 2,000 साल तक ये शहर आबाद रहा, फिर इसके ऊपर जवाल आ गया और ये शहर तबाह हो गया। इसकी तबाही की 3 वजूहत जो हैं, जो मेजर वजूहत बताई जाती हैं। सबसे पहली वजूहत यह है कि हड़प्पा को दरिया रावी ने तबाह किया, क्योंकि उस वक्त फ्लड बहुत ज़्यादा आते थे इस इलाके में, क्योंकि ये दरिया के किनारे के ऊपर वाक़ था। बल्कि उस दौर के जितने भी सिटीज़ हैं या शहर, जो भी कबाइल हैं, वो दरिया के किनारों के ऊपर होते थे। तो दरिया रावी के अंदर सैलाब आने की वजह से ये शहर तबाह हुआ। दूसरी वजूहत है आर्यन कौम। आर्यन ने इनके ऊपर अटैक किया था, जो कि बहुत ही जंग जो थे, वो उनका फसाद बरपा करना ही उनका यानी कि मकसद था। जहाँ पर भी कोई कबाइल आबाद होते थे, वो उनके ऊपर अटैक कर देते थे, शहरों को, पूरे शहर को तहस नहस करके आगे चले जाते। तो दूसरी वजूहत है हड़प्पा की तबाही की आर्यन को। और तीसरी वजूहत है, चूँकि ये दरिया के किनारे के ऊपर वाक़ था और इन लोगों का जो तजारत करते थे कारोबारी मौक़ों में, अपना खेती बाड़ी करते थे, उसके अलावा अपना माहीगीरी करते थे, माल मवेशी पालते थे। तो जब दरिया रावी ने पीछे से अपना रुख तब्दील किया, वो इस शहर को छोड़कर पीछे चला गया, तो इन लोगों का जो तजारती रास्ते थे ना दूसरे शहरों से, वो ख़त्म हो गया। इसके अलावा खुश्क साली होने की वजह से इनके खेत तबाह हो गए और ये इनके जो माल मवेशी, वो भी पानी के बगैर नहीं ज़िंदा रह सकते। तो इस वजह से जो लोग यहाँ पर भूख से मर रहे थे ना, यानी खुश्क, वो यहाँ से नकल निकालनी चाहिए। ये 3 वजूहत हैं। तो 3 पॉसिबिलिटीज़। 1 is like many cities, it was built on the river Ravi, so it is possible that it has been destructed by the river Ravi. The second one, the Ravi changed the route due to different reasons, and their access to water, and then the Ravi was the route for transportation and for their trade, so that they changed the route, the Ravi, and that could be the second reason. And the third one could be Aryans, the Aryan tribes living around, and they would have attacked the city and destroyed. Third one will be least possible, because to me they would come and they would live here rather than destroying, except if they were Mongols. So bye. This waqt Ziya hai, Ziya ur Rahman, jinki Urdu bahut zabardast hai, wo apni Urdu se hame mehsoos karayenge. Javed Lala, aur ye jo hai museum is time band hai, और आई थिंक म्यूज़ियम में शायद वीडियो भी अलाउड नहीं हो। हाँ, तो म्यूज़ियम हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको बाहर की जगह दिखाएंगे। इस एरिया के बारे में आपको बता दूँ, पंजाब के बाकी एरिया इसकी तरह इर्द गिर्द ग्रीन लश एरिया है, और वीट ग्रो हो सकती है, राइस ग्रो हो सकती है, कॉटन ग्रो हो सकती है। तो यू कुड सी के फ्रॉम फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू दे वर क्वाइट रिच। जी हाँ, कैंटीन, वॉशरूम्स वगैरह का लिखा हुआ है। अच्छा, ये इसकी जो फर्स्ट टाइम 1920s में आइडेंटिफाई हुआ था। हड़प्पा का इंशा 1921 में किया गया, उससे पहले ये टीले थे। किसी को कोई पता नहीं था कि यहाँ पे क्या है, कि कहीं शहर भी यहाँ पे कोई आबाद था किसी दौर में। सही है, ये 1921 में इसका इंशा हुआ। लेकिन इससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जब लाहौर टू मुल्तान रेलवे ट्रैक को छाया जा रहा था, सही निकाल में, मेरे ख्याल 1906 की बात है। सही है, या इससे भी पहले हुआ। सही, तो उस वक़्त जब ये ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो उन लोगों को प्लेटफॉर्म और ये ट्रैक बिछाने के लिए कंक्रीट की ज़रूरत थी। हाँ, ईंटों की ज़रूरत थी। तो इन लोगों को यहाँ पे जो मतलब लोकल लोग रहते थे, उन्होंने बताया कि बजाय इसके कि आप ईंट यानी कि मंगवाओ, इन टीलों को अगर खोद लो तो इसके अंदर बहुत सारी कंक्रीट मिल सकती है। कुछ जहरी तगड़ा ठेकेदार था। तो उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे जब टीलों को खुदाई करके देखा, तो यहाँ से तो उनको कंक्रीट बहुत ज़्यादा मिला। सही, और ये कंक्रीट बहुत पायदार था, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ चिकनी मिट्टी
नहीं इस्तेमाल करते थे, ईंट दूसरे नहीं यूज़ करते थे, इसके अलावा और कोई मटीरियल नहीं। और फिर इसकी ईंट की पकाई इतनी ज़्यादा होती थी कि ये बहुत मजबूत होते थे। सही। ये जी एक कैंटीन भी है, आप जो है तो इधर स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर। और बैठने की जगह भी है अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए इट वुड बी अ बिट बोरिंग। लग रहा है झूले, तो झूले वगैरह भी हैं। एग्जैक्टली, तो आप बच्चों को इधर बिजी करके हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो हमारे आर्कियालॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आई एम श्योर शाकिर साहब उनको लाते रहे होंगे, बट दिस इज़ नॉट वेरी फार। सो इधर भी इसकी डिटेल जब ट्रैक बिछाया था तो उस वक्त में एक माहिर आसार कदीम अलेक्जेंडर, अच्छा एंथम उनका नाम है, वो आए इस इलाके में। तो वो जो ऐसे में इंटरेस्टेड थे, उन्होंने जब इन टीलों को देखा तो उन्होंने गवर्नमेंट को एक ख़त लिखा कि मैं फलां इलाके में जाकर, मतलब मैंने विज़िट किया, वहाँ पे मैंने देखे कि बहुत बड़े बड़े टीले हैं, अगर हम उनकी खुदाई करें तो वहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है, तो क्या हमें देखना चाहिए आया कि इसमें क्या है अलेक्जेंडर ने। जी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई मतलब तवज्जो नहीं दी। सही। फिर 1910 में ना फिर एक माहिर सारे जो ना आए, उसने फिर इसको ना इसके ऊपर गवर्नमेंट को ख़त लिखा, जिसके बाय वे गवर्नमेंट ने 1920 में इसके ऊपर अपना मतलब इसको अपने कंट्रोल में लिया और 1921 में यहाँ पे बाकायदा खुदाइयाँ शुरू कर दी। अच्छा, मतलब आपका ये कि वो जो फर्स्ट जो था सारी कदीमा वाला अलेक्जेंडर, उसने इस चीज़ को महसूस किया जब इधर से ईंटे लेके जा रहे थे, ही थॉट के इधर कोई सिटी हो सकती है, ईंट इसके अंदर से मिल रही है। एग्जैक्टली। तो अगर इसको अगर खुदाई करके देखें तो इसमें हो है क्या, या किस चीज़ के इनके लिए ईंटें इतनी पड़ी हुई हैं, इसके अंदर कैसे ईंटें आई हैं। सही है। तो जब खुदाई हुई 1921 में तो यहाँ पे खुदाई की गई सबसे पहले। अच्छा, ये सबसे पहले खुदाई वाले एरिया में खंडरात एरिया नज़र आ रहा ना, ये बेसिकली उनका कब्रिस्तान है। सही। यहाँ पे हमें खुदाई करते हुए इनके ना सस्टेन के दो तरीक़ेकार मिले हैं। पहले तरीक़ेकार में ये लोग क्या करते थे कि अपनी डेड बॉडी को एक मखसूस जगह पर रख देते थे, जब उसकी हड्डियाँ जो है ना वो रह जाती थी, यानी गोश्त वगैरह ख़त्म हो जाता था मांस, तो उसको लाकर मिट्टी के बड़े बर्तनों के अंदर डाल रख कर ज़मीन के अंदर दफन करते थे घड़े खोद कर। मतलब आपका कहना ये कि उसको खुली जगह पे रखते थे पहले, उन्होंने जैसे कि कब्रिस्तान नहीं होता इस तरह की उनकी एक मखसूस जगह बनाई होती थी, यानी कि डेड बॉडी को फेंकने के लिए या रखने के लिए, तो जैसे भी कोई मतलब आदमी उनका डेड होता था उसको लाकर वहाँ पर रख देते थे। जब वहाँ पर रख देते थे तो उसको जब उसका गोश्त वगैरह हड्डियाँ यानी मतलब मांस ख़त्म होता, सिर्फ हड्डियाँ बचती थी, उनको लाकर मिट्टी के मटकों के अंदर डालकर जमीन के अंदर दफन करते थे। यही चीज़ जो है मेरे ख्याल में एक वादी कैलाश में अभी भी है, अभी भी है, यानी वो उनको रखते और वो एक टाइम के बाद जब वो सिर्फ हड्डियाँ रह जाती है जी, फिर उनको आई डोंट नो कि उनका दफनाने का तरीका क्या है, लेकिन एटलीस्ट वो रखते इसी तरह, मतलब उनके ना ये बर्तन बनाए जाते थे मिट्टी के, उनके अंदर रख देते थे, यानी हड्डियों को इकट्ठा किया, बर्तनों के अंदर डाला और ज़मीन में दफन कर दिया। सही है। और दूसरा तरीकाकार इनका जब मज़ीद खुदाई हुई तो उससे ये मिला कि वो लोग एक लकड़ी का बॉक्स बनाते थे, उसके अंदर अपनी डेड बॉडी को रख कर ज़मीन के अंदर मुस्तिल शक्ल की कबर बनाकर, जैसे कि उनका सर शुमाल की तरह और जनूब की तरह होते थे। अच्छा। तो उसे दफन करते थे और उसके साथ मिट्टी के बर्तनों में अंदर मुख्तलिफ अनाज जैसा कि गंदम, चावल, जौ, अच्छा, बाजरा जो भी वो साथ दफन करते थे, उनका ये मानना था कि जैसे ज़िंदा इंसान को अनाज की ज़रूरत है वैसे मुर्दा इंसान को भी अनाज की ज़रूरत है, तो वो जब उसकी ज़रूरत होगी वो उसको इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा। तो इससे यह पता चला कि हड़प्पा में जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पर एक से ज़्यादा मजहब के लोग आबाद है, क्योंकि इनके तदफ़ैन के तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं। आया अगर और भी मज़ीद खुदाइयाँ होती तो हो सकता था इनके और भी कुछ मतलब कोई तरीक़ाकार मिलता, लेकिन फ़िलहाल ये दो मिले हैं। अच्छा, ये अब उसी टाइम का है, ये जो ना ये वाली मिट्टी है ना खुदाई करने के बाद कहें। अच्छा, यहाँ से उधर से खुदाई के बाद जो उस दौर के टीले हैं वो बहुत बड़े हैं, जैसा कि वो पीछे आप उनको थोड़े साथ ही चलते हैं आपको नजर आना शुरू होता है। तो इससे ये मालूम होता है कि हड़प्पा में एक से ज़्यादा मज़हब के लोग आबाद हैं। सही है। He has explained the type, the way they were burying their dead and their deceased people, and he explained that basically in some cases they will just let them the trash or how you say
spal and when only the bones are remaining they would put it in a pot and then burial jar and then they would bury it and then there were others where they have boxes kis cheez ke bane the lakdi ke okay so in some cases they would put them in the wooden box and then like coffins and then you can also they have also found like that so that will what they imply from that is probably several the people from different religion would have inhabited in this area and maybe maybe at the same time maybe in a different time but at least from that you can imply that there were people from different beliefs and different religion they would have lived in this area ये कुछ पुराने बलज मसीह के आसार हैं यहाँ के okay. ये दरख्त उस टाइम के तो नहीं है लेकिन पुराने दरख्त हैं मेरे ख्याल में इस एरिया में हाँ चूंकि वीरान इलाके होंगे लोग वैसे हमारे लोग भी तवहिमात वाइज भी नहीं आते होंगे इस तरफ ये पता नहीं इधर जिन्नात होंगे या कुछ जैसे रामी मिसर से लोग दूर भागते थे वैसे भी ये जो ना उसको मतलब कि आप भी ये उस मतलब काबिल इस्तेमाल नहीं है सही है क्योंकि ये वन का दरख्त है यहाँ पे करीर का है सिवराश ये उकान का दरख्त है सिफराश कहते हैं सही है तो इसके अलावा जान का ये वाला दरख्त जो ना उस तरह मतलब जैसा कि आज का पिक्कर शीशम ये वो आगे ना उसके लिहाज से ये काबिल इस्तेमाल नहीं ये दरख्त उस दौर में फर्नीचर के अंदर इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अच्छा। अब ये नाकाम हो चुका है जो कि इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा उनके टर्बाइन्स हो गया अच्छा। होल वगैरह पैदा हो जाता है क्योंकि ये वीरान इलाकों में है सही इसके अलावा जो जो वन का दरख्त है इसके ऊपर जो फल लगता है ये इसे हम पीलू का दरख्त भी कहते हैं अच्छा और ये जो सामने दरख्त खड़ा है ये करीर है करी करी के ऊपर ये डेले लगते हैं जो कि अचार में भी इस्तेमाल किया जाता है अच्छा ये अभी इसको फूल लग रहे हैं सही इसको थोड़ा देर अच्छा ये अब उसी टाइम के कंटरास्ट हैं ऊपर से देखेंगे तो सही नज़र आएगा व्यू बनाओगे तो उसमें सो स्टे विद अस हम ऊपर जाएंगे उधर से पूरा व्यू नज़र आएगा आपको ये भी पता चलो कि हड़प्पा का जो अब हमारे पास रकबा 170 एकड़ है अच्छा 170 एकड़ जी इससे पहले बताया था कि ये इससे आउट साइड पे भी जो दीवार बनाई गई ना 170 एकड़ इसके आउट साइड पे भी हो सकते हैं के आसार हैं सही लेकिन इतना गवर्नमेंट के पास है अगर इससे आगे कोई मतलब खुदाई वगैरह होती है जिस वक्त तो अदर साइड पे भी वो रकबा जो है ना वो गवर्नमेंट खरीद तो शायद वो लोगों के पास हो जी वो अब काश्तकारी हो रही है अच्छा काश्तकारी हो रही है गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे 170 एकड़ के अंदर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा एरिया जो है ना वो खरीदा है सही जहाँ पे काश्तकारी हो रही थी लेकिन खुदाई से पता चला कि यहाँ पे रीजन जो है एरिया ओके ये है जी अब बताइए जी अब मैं आपको इसके बारे में बताऊँ यहाँ पे भी 1921 से लेकर 1924 फिर 1926 से हुई एंड लास्ट में 1934 में मुख्तलिफ पीरियड में यहाँ पे भी खुदाई हुई तो खुदाई में सबसे पहले ये वाली दीवार मिली सही अच्छा ये वाली ये दीवार उन लोगों ने ये उनके हड़प्पा के लास्ट पीरियड यानी कि लेट हड़प्पा सही है लेटेस्ट लास्ट पीरियड की दीवार है ये दीवार नहीं है बल्कि ये एक नाला था इसका ये नीचे वाला बेड है अच्छा इसके ऊपर पानी की निकासी के लिए उन्होंने एक नाला बनाया था ये उसका इससे मज़ीद जब नीचे गए तो नीचे हमें ये 2450 का बलज मसीह का ये कुआँ मिला है अच्छा इससे हम कहते हैं दोहरे कड़े वाला कुआँ इसके अंदर एक और कुआँ और वो लोग इतने तरक्की याफ्ता थे कि वो पानी को फिल्टर करने के लिए और उसको मतलब ठंडा रखने के लिए इसके अंदर रेत भर देते थे कुएँ अच्छा खिला में जब नीचे से पानी जेर ज़मीन से ऊपर आता था तो रेत के ज़रातों के अंदर से जैसे पानी ऊपर था वो साफ़ हो जाता था और उसका ठंडा रहता था पानी यानी कि उसकी कूलिंग होती जाती थी इसके बैक पर उन्होंने साथ ही वाशरूम के फर्श बना दिया चूँकि इससे हम कहते हैं पब्लिक कुआँ क्योंकि ये इससे मतलब शहर अगर हम उस तरफ से करो तो रोशनी पीछे होगी उस तरफ से जा सकते हैं जी उस साइड से भी जा सकते हैं हाँ रोशनी पीछे से होगी नज़र सही आएगा साथ साथ आप बताते जाए तो ये मतलब जो कुआँ ये उन्होंने मतलब पानी के इसके अंदर दूसरा कुआँ बनाया और उसके अंदर जो इन्होंने रेत भरी उसका मतलब ये था पानी की फिल्ट्रेशन और कूलिंग होती से बैक पे जो वॉशरूम के अभी मतलब प्लेटफॉर्म नीचे वाले नज़र आ रहे हैं वो वाले अच्छा वॉशरूम कौन से वाले इसके बैक पे ये बड़ी दीवार अच्छा। पीछे आपको प्लेटफॉर्म नीचे बने हुए हैं सही ये वाले जहाँ पे वो बोर्ड लगा होगा अच्छा सही तो क्योंकि उस वक्त ये पानी का निज़ाम वाहिद ये कुएँ ही थे जो कि पानी पीने के लिए तो ये लोग क्या करते थे कि यहाँ से मतलब साथ ही उन्होंने वॉशरूम वगैरह बनाते लगते लोगों को इससे मुश्किल ना हो पानी को घर में ले जाने से आसानी से यहाँ से पानी लेकर और इस्तेमाल कर लें और साथ ही उन्होंने
वो जो पीछे फर्श नज़र आ रहे बना दिए, साथ में जाकर औरतें यहाँ से पानी लें, बर्तन वगैरह और कपड़े वगैरह वाश करने के लिए इसको इस्तेमाल कर लें। सही। और इसके दोनों साइडों पे हमें रहायशें मिली हैं। वो जो सामने रिमेन्स नज़र आ रहे हैं दीवारें, वो इनकी घरों की मतलब दीवारें हैं। कौन सी? वो सामने। अच्छा, वो वाली। सो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ स्मॉल कॉलोनी, जो कि उस तरफ आपको घर है, कुआ है, पानी का सिस्टम किए, और ये जो इंटे हैं अबाउट ये वाशरूम्स होते थे, और उसे पानी की निकासी का भी सिस्टम किए। और बेसिकली ये आप बात लेने के लिए या कपड़े धोने के लिए ही होंगे, क्योंकि टॉयलेट्स ऑफ कोर्स दे ओपन में ही उस टाइम करते होंगे, मतलब नहाने धोने के लिए। नहाने धोने के लिए एग्जैक्टली। औरतें मर्द होते थे, यानी कि थोड़ा सा कवर्ड किया था ताकि यहाँ से इजीली पानी लेकर। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि इसको ऊपर बनाए हुए है तो वो वाला पानी नीचे तो फिर नहीं जाता, तो लिहाजा ये सिर्फ नहाने के लिए और उसके लिए होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी बात बिल्कुल सही है जो आप समझ ना, वो बिल्कुल यानी कि नहाने धोने के लिए उनको इस्तेमाल बिल्कुल। और वैसे भी उस टाइम जो है तो नहाना एक मजहबी, अभी भी डेफिनेटली है, लेकिन एक मजहबी वो होता था, जैसे हिंदू मत में भी है कि आप जो है तो सुबह जो है तो गंगा में नहाते, इस तरह तो मे भी तो वो रिलीजियस वो भी हो सकते हैं। बिल्कुल, ये भी होता है। तो इसके अलावा ये इन टीलों की ऊंचाई की दो वजूहत हैं। पहली वजूहत है कि हड़प्पन लोगों की मुसलसल अपने मकानों की तमीर, क्योंकि जैसे जैसे फ्लडिंग ने इनको तबाह करते रहे, जैसे वो दोबारा लोग आबाद होते थे तो उनकी कोशिश होती थी कि अपने घर को इस तरह हाइट पर ले लें ताकि मतलब दोबारा दरार जो हमें नुकसान ना पहुँचाए। सही। और दूसरी वजूहत यह है कि आर्यन कौम के अटैक के बाद जो लोग उन्हें दोबारा यहाँ पे आकर आबाद हुए, उन लोगों ने यह सोचा कि अगर हम अपने घरों को इस तरह हाइट पे ले जाएं कि हमें दूर से नजर से दुश्मन हमें आता हुआ नज़र आ जाए और हम खुद ही हमले से पहले उसके लिए तैयार हो जाएं। सही। तो ये बेसिकली आप मंजहरा वगैरह जब आते हैं तो जितने भी गाँव हैं वो टॉप पे गाँव होते हैं। बिल्कुल। हालांकि हम जब अभी जाते हैं हम कहते हैं यार नीचे रोड के करीब क्यों नहीं बनाया, लेकिन वो ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट उसमें यही होता था कि ऊपर बनाते थे, फिर पानी के वो स्लाइडिंग का इफेक्ट भी देखते थे। तो दैट्स राइट। अच्छा, और ये जो एरिया है जिधर हम खड़े हैं जी, ये वाली दीवार ये बाद में बनी है, ये चारों तरफ इसकी दीवार बाद में बनाई है, खुदाई हुई ना उसके बाद, ताकि बारिश वगैरह से मट्टी बह कर अंदर ना जाए, ताकि आसार बंद ना हो जाए या ख़राब ना हो, इसलिए दीवार पक्की बना दी। सही। क्योंकि ये देखे ना दीवार उसी साइड पे, जिस साइड पे टीला ऊंचा है, जिस साइड पे बिल्कुल उस साइड पे दीवार नहीं बनाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको सिक्योर करने के लिए। yes. और इर्द गिर्द आपको जो है खेत नजर आ रहे हैं, जो कि इनके नीचे से लेवल से अब यहाँ तक तकरीबन 40 फीट हाइट, 40 फीट हाइट पे, और दरिया रावी पीछे की तरफ है अभी जो है, बैक ठीक है, बैक पे दरिया रावी 15 किलोमीटर दूर चला गया यहाँ से, 15 किलोमीटर है। सही। तो थैंक यू व्यूअर्स, अभी हम थोड़े से पिक्चर बनाते हैं और मजीद जो बातें होंगी बताएंगे जी। ये उस अंदर और खुद अगर जितनी ईंटा लगी हैं सामने दीवारों में सब ओरिजिनली उस टाइम भी है जी। जी इन लोगों की बकायदा भट्टियाँ मिली हैं ईंटों को पकाने के लिए, बर्तनों को पकाने के लिए जो भट्टियाँ इस्तेमाल करते हैं वो मिली हैं। अच्छा, सही। देख सकते इधर कुछ बहुत पुराने दरख्त हैं और प्रॉबेबली इसमें से कुछ उससे भी पुराने हो सकते हैं, जो कि यानी उसके ऑफ शूट्स जो हैं, जो पुराना दरख्त हो वो किसी वजह से ख़त्म हो और ऑफ शूट्स निकल आए तो उसका भी हो सकता है। ये जो शहर की फसील की दी वो है, फसील है शहर का, देने फोर्टिफिकेशन वॉल। सही। सो बेसिकली इट वाज अ फोर्टिफाइड सिटी, वॉल्ड सिटी। अच्छा, ये देखें ये जो दीवार है ना, जिस जब खुदाई करके वहाँ से बेसिकली जो इब्तदाई दौर की ये दीवार है उसका लेवल वो नीचे वाला है। सही। ये दीवार वो एंड से पटनीटों से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे नीचे दरार जा रही है, आपको ये कच्ची ईंटें लगी नजर आ रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तकरीबन 40 से 45 फीट चौड़ी और 25 से 30 फीट हाइट ऊंची दीवार, जिसने पूरे शहर को चारों तरफ से घेरा हुआ था। सही। इसको उनका बनाने का मतलब एक तो अपनी दुश्मन अनासर से सेफ्टी, दूसरा दरिया रावी का पानी जो है उसको अंदर ना आए ताकि हमें नुकसान ना पहुँचे कोई। लेकिन आप ये जानते हैं कि पानी के आगे किसी चीज़ का जोर नहीं चलता। और इसके गेट उन्होंने 4.5 मीटर पक्की ईंटों की दीवार बनाई थी ताकि जो पानी है वो दीवार को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये बेसिकली ये पूरा ये दीवार है, ये वहाँ से ऐसे खोद कर आए, पता चला कि वहाँ तक दीवार है, आगे मतलब टीला शुरू हो गया तो उन्होंने फिर यहाँ से आगे बंद कर दिया। सही। ये ऐसे जा रही है ऊपर से घूम कर और नीचे से जाकर वो जहाँ पे हम उसके बैक बिल्डिंग में बनी उसके बैक का मेन गेट था।
सही जी। और उस इस दीवार के अंदर फिर उनके मुख्तलिफ यानी कि छोटे छोटे जैसे हमारे टॉम्स जो होते हैं, लेकिन इस दीवार ने चारों तरफ से उसे घेरा हुआ था। ये अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने बनाई थी। और प्रॉबेबली आप कहते हैं कि ये जो एरिया इसमें से रावी गुजरता था? नहीं नहीं, करीब ऐसे नहीं रावी गुजरता था, रावी ऐसे गुजर रहा उस तरफ से जी। अच्छा ठीक है, अमेजिंग। और स्पेशली जब आप ये सोचते हो कि 4,000 साल 5,000 साल पहले इधर लोग रहते थे, और ज़िया को तो रुए भी नज़र आती है, कोई रूश नज़र आ रही थी। दिस इज़ अमेजिंग यार। ओके थैंक यू ज़िया। लेकिन उसी पुमेश की न्यू ईंट बनवाकर इनके ऊपर रिपेयरिंग करवा दी। अच्छा, ताकि आसार जो बता रहे हैं इनमें वो जो दरमियान में ऐसे ईंटें खड़ी हुई लगी है ना, बिल्कुल वो कवर ड्रेन है, क्योंकि सीवरेज का पानी निकालने के लिए उन्होंने दीवार बनाई थी। सही, नाली बनाई, सॉरी दीवार कह दिया, तो इसको उन्होंने ऊपर से ऐसे कवर किया था कि इसके अंदर से जो पानी की स्मेल वगैरह बाहर ना आए। सही, तो ये वो पोर्शन है जो खुदाई के वक्त उस पर उसी साइज़ के ईंटें लगा के दोबारा उसके शेप को बनाए हुआ है। और वो जो आपको स्लोप में ईंटें नज़र आ रही है, ये ड्रेन है जिसको कवर किया है कि स्मेल नज़र ना आए। तो आप इसको कंपेयर करें आजकल के सरगोधा फैसलाबाद की शहरों से, जिधर अभी तक जो है ड्रेनेज ओपन है पिशावर के इवन, और गंदी स्मेल आती है, तो यू कैन इमेजिन दे आर मच स्मार्टर। आज से 4-5 साल पहले ये लोग इतने तरक्की आते थे, उन्होंने ये निज़ाम जो आज हम बना रहे हैं आज से पहले उन्होंने बनाया हुआ था। बिल्कुल, ऊपर से कवर्ड किया था कि अगर स्मेल बाहर जाएगी जिससे बीमारियाँ फैलेंगी, इसलिए उन्होंने ऊपर ना मतलब कवर्ड करके ज़मीन के अंदर ही डिस्पोज किया था। सही, अभी क्या कह रहे हैं आप ग्लासेस का? हड़प्पा की खुदाई में मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा ईंट मिली है। ईंट के दूसरे नंबर पे जो बर्तन मिला है उसे हम गोबलेट कहते हैं, जो कि इनका डिस्पोजेबल गिलास है। सही है, और वो जितना मिला है ना लाखों की तादाद में मिलने के बावजूद भी वो ज़्यादातर टूटा हुआ ही मिला है। अच्छा, जब उसके ऊपर सर्च की कि ये बर्तन इतना कसीर मतलब ज़्यादा तादाद में क्यों है और ये टूटा हुआ क्यों है, तो पता चला कि वो लोग एक दूसरे का जूठा इस्तेमाल नहीं करते थे। अच्छा, वो ये बात जानते थे यानी कि इतने तरक्की याफ्ता थे कि अगर हम एक दूसरे का जूठा इस्तेमाल करेंगे उससे बीमारियाँ लाख हो सकती हैं, इसलिए वो जरासीम हमारे आगे फैलेंगे बीमारियां लग जाएंगी, इसलिए वो एक दूसरे का जूठा इस्तेमाल नहीं करते थे। वो अपने अलग अलग बर्तनों से, बाद माहरीन ये लिखते हैं कि वो एक ही दफ़ा बर्तन को इस्तेमाल करने के बाद उसको तोड़ देते थे। और ये जो आप गोबले कह रहे हैं किस चीज़ का बना होता है? मट्टी का ही बना होता है, चिकनी मट्टी से बनाकर इसको पकाया जाता था भट्टी के अंदर। सही, और बाद माहरीन जो है लिखते हैं कि एक दिन के अंदर यूज़ करने के बाद तोड़ देते, लेकिन हर आदमी के अपने अलग बर्तन होते थे खाने पीने। सही, ये भी हो सकते हैं अगर अपना रीयूज़ भी करते हैं, लेकिन जैसे अब आप अपना ग्लास घुमा देते डिस्पोजेबल, या पेन आपसे गुम हो जाता है बड़ा ऑफन, तो बस दूसरे बंदे को मिल गया वो तोड़ देगा। यस, क्योंकि उसको रीयूज़ तो नहीं करेगा जी। इसके अलावा इनकी गोल्ड मिला यहाँ से हड़प्पा का, लेकिन वो नेकलेस इससे 5,500 साल पहले भी औरतें खुद को ज़ेवरात से रास्ता करती थी इनके बकायदा। अच्छा, इधर से आपको ग्रेन्स या इससे की चीज़ें मिली है, गंदम की या राइस की? गंदम का मिला है और जौ के कुछ दाने मिले, गंदम जली हुई मिली है। जैसा कि इसको जली हुई का मतलब है कि हमारे ही लिखते कि हो सकता है जब आर्यन ने इनके ऊपर अटैक किया, क्योंकि उन्होंने बाद में जगहों को आग लगा देते थे इनकी रहशों को। सही, तो उस दौरान वो जल गई हो, जली हुई गेहूँ का ना टुकड़े मिले हैं 2-3 इतने, वो ना ढेलियाँ से बनी हुई है। सही, और इसके अलावा जौ के दाने मिले हैं। अच्छा, और इसके अलावा इनकी डाई से ये पता चला है बर्तनों के ऊपर कि ये लोग मतलब ना कपड़ा जो सूती कपड़ा रहता है इस्तेमाल, सूती कपड़ा काटन यूज़ करते थे जी। तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए, फाइबर क्रॉप्स वालों के लिए, जिनको मैं बताता रहता हूँ, मेहरगढ़ में सबसे पुराना काटन की वो मिली है, तो इधर भी जो है तो वो तकरीबन मेहरगढ़ जो है 9,000 BC। और इनका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो भाई है ना, वो है कोट रीजी जो कि 7,500 साल पुराना। अच्छा, वहाँ से ये लोग आगे इनके आए और इसमें आकर आबाद हो गए हड़प्पा। और इनके एक हमसर और भी है आमरी, वो भी इनके साथ मतलब उनकी तारीख भी अपने कोर्ट डीजी से है, 7,500 साल पुरानी है। सही, इसके अलावा हड़प्पा से स्टैम्प्स मिली हैं कि जो ये लोग जो भी सामान तैयार करते थे, मतलब ऐसा कह लें कि जो भी इनका माहिरीन होता था जिस काम का भी, उसकी अपनी स्टैम्प होती थी, वो जैसे अपने सामान को आगे फरोख्त करते थे, भेजते थे फरोख्त करने के लिए, अपने सामान को ऊपर स्टैम्प लगा कर भेजते थे। सही, तो जैसे सामान इनका सामान खरीदने का वो बाटर सिस्टम था, इनके अशिया के मुतबादले अशिया खरीदनी, तो वापस आते हुए भी इनका मतलब स्टैंप लगती थी उस्मान के ऊपर, फिर आगे मतलब शहर में सुना सप्लाई किया था लोगों के लिए आती थी। सही, तो यू कैन सी कि ये
बड़ा बहुत बड़ा किस्म का शहर होगा जिसमें कई किस्म के आपके माहिरीन होंगे और वो इवन अपने अपने अपनी चीज़ों को स्टैम्प करके बेचते थे, जैसे आप कहते हैं पागी का पेरिस का मार्क, तो सम हाउ लाइक दैट इट वाज अ वेरी मच सिविलाइज्ड सिटी एट दैट टाइम। ये वाला बन रखते हैं बंद कर, इसकी तारीख मगर ये है कि सिर्फ 550 साल पुराना। ओके, ये दरख्त जो है तकरीबन बंद कर रखते हैं, इसे पीलू का दरख्त भी है, खाली इसको पीलू लगता है, पीलू पीलू ओके इसके बारे में लिखा, पीलू एक फल है, उसको ऊपर लगता है जैसे दूसरे अपने हमारे पौधों में जामुन का होगा उसको फल लगते हैं आम, ये इससे पीलू का दरख्त भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम वन है, लेकिन इसके ऊपर लगने वाला फल जो उसे हम पीलू कहते हैं। सही, वन का दरख्त जिसके फल को पीलू कहते हैं, रोटियां बन रही हैं जैसे जैसे शाखाएं, ये इसकी साया बड़ा सायेदार किस्म का होता है, ये वाला टेक्सचर या उसका जो स्ट्रक्चर से पता चलता है कि ये ड्राउट को भी रेजिस्टेंट ढेला कहते हैं, जो कि अचार के अंदर इस्तेमाल होता है, पहले ग्रीन कलर का होता है, बाद में जब पक जाता है उसके बाद रेड हो जाता है। थैंक यू, पिक्चर्स बना लेते हैं। सो ये जो है वो बर्तन है, पॉट जिसमें जो है बरियल जार जिसमें हड्डियाँ दफनाते थे, एंड हियर वी हैव सम ऑफ द स्टैम्प्स। ये देखें, ये स्टैम्प वो यूज करते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, सही है, उनके स्टैम्प्स होते थे या जो उनके प्रोडक्ट्स होते थे उस पर वो स्टैम्प्स लगाते थे। ये वो मिट्टी की बनी मूर्तियाँ जिनकी वो लोग पूजा करते थे। अच्छा, सही है, पूजते थे लोगों बिल्कुल को, पानी को, ये सही है। फिर आप ये देखें, ये है ज्वेलरी। अच्छा, ये उनकी ज्वेलरी है, फर्स्ट में जो है मिट्टी की है, ये वाली जो सही है ये मिट्टी की है, ये वाली जो है ना स्टोन पत्थर और मसाला और हकीक मोती वगैरह इनको यूज किया गया। सही, इसके अलावा ये वो जरूर सावी है जो कि बर्तन मतलब वो लोग खाने पीने के यूज़ करते थे। सही है, ये शतरंज। अच्छा, गोट्स मिलेंगे पत्थर जिसको पड़े शतरंज की गेम उन्होंने बनाई थी। सही है, शतरंज भी उस टाइम से खेलते थे। अच्छा, कापर की जो है, सही है, 2500 से लेकर 1500 कबल अज़ मसीह के दौर में ये लोग इससे वाकफ़ी सही है, कापर के यूज़ से वाकफ़ थे। ये उनका डिस्पोजिबल होगा, पक्की मिट्टी का। अच्छा, जो गोबले आप कह रहे हैं, ये है उनका गोबले। सही है, ये पानी पीने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, पानी या कुछ और पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें, ये संगे जरंग से बने एक सींग वाला बैल, इनका ख्याली जानवर है, स्टैम्प के ऊपर इसकी तस्वीर थी, ये इस इलाके में नहीं पाया जाता, लेकिन सबसे यानी कि इनकी बड़ी स्टैम्प ये थी यूनिकॉर्न वाली। सही है, ओके, सो यूनिकॉर्न, और वो ये इनका ख्याली होता था डेफिनेटली, इन पावर को शो करने के लिए इस्तेमाल करते थे बैलगाड़ी। ये बच्चों को एज ए खिलौने के तौर पर बना कर देते थे खेलने के लिए, जैसे हमारे आजकल वो, ये बेसिकली मोहनजोदड़ो में भी इस तरह के मिले हैं। ये है इनका बर्तन। अच्छा, ऐसे बर्तन होते हैं जिनके अंदर वो हड्डियाँ वगैरह डाल कर दफन करते थे। सही है, इसको अंगीठी। अच्छा, क्योंकि ये पानी को फिल्टर करने के भी इस्तेमाल है, उसके बाद कमरों को गर्म करने के लिए अपने आग वगैरह सही कोले डाल देते थे, इससे गर्म गर्माइश निकलती थी। सही है, तो बहुत शुक्रिया रमज़ान भाई, ये वीडियो हम YouTube पे डालेंगे, आपको फिर हम लिंक भी भेज देंगे इंशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा व्यूअर्स तो मेरे नहीं हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि जैसे इमरान खान को कहते हैं आपके सपोर्टर अभी छोटे, तो मेरे व्यूअर्स भी अभी छोटे, शायद बढ़ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो बढ़ जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया। ओके व्यूअर्स, दिस वाज अबाउट हड़प्पा म्यूज़ियम और जो रुइंस थे वो हमने आपको दिखाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और मज़े की वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू जिया, अल्लाह हाफ़िज़।